नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। पटना के न्यू पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सविता कुमारी पाठक की बीमारी से मौत के बाद महिला सिपाहियों पर किए जाने वाले अत्याचार की एक से एक कहानी अब सामने आने लगी है। एक नया मामला है जो आपको हिलाकर रख देगा। शनिवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा भारती से मिलने पहुंची आरक्षियों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। महिला सिपाहियों ने आरोप लगाया कि किस तरह से उन्हें नचवाया जाता था, लाइन डीएसपी से समझौता करने का दबाव बनाया जाता था। उषा विद्यार्थी से मिलने पहुंची लगभग एक दर्जन महिला आरक्षियों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी है। बताया जाता है कि नौकरी के नाम पर उनके साथ क्या क्या किया जाता था। सर्विस बुक तैयार करने व अन्य छोटे छोटे काम कराने के लिए थाने के मुंशी उनको फिल्मी गीतों पर नचवाया करते थे। इसके लिए उन्हें अपने रूम में भी बुलाया जाता था। आरक्षियों ने कहा है कि ये काफी दिनों से चल रहा था, डर और लोकलाज की वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। महिला आरक्षियों ने खुलासा किया है कि उन लोगों के ऊपर पुलिस एसोसिएशन के लोगों द्वारा लाइन डीएसपी मोहम्मद मसलेउद्दीन से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें अपना कंप्लेन वापस लेने को कहा जा रहा है। सिपाहियों ने महिला आयोग से कहा कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और विरोध जताने पर उन्हें ही बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। और रोड पे सीधे खड़ा कर दिया गया और ये भी नहीं बताया गया कि जो हाथ में डंडा है वो डंडा किसके ऊपर चलाना है और किसके ऊपर नहीं चलाना है। हमारा विभाग से ही ऑर्डर था कि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे उसके सर पे डंडा तोड़ दे। तो हमें पता नहीं चला कि ये कौन है नहीं है। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमने डंडा उनके क्या कुछ आप लोगों के साथ होता था वहाँ पर होता था, बहुत कुछ होता था। हम लोग छुट्टी मांगने जाते थे तो हम लोग को बोला जाता था कि हमारे कैबिन में आओ, ये करो। एसएल था तो एसएल में गए हम लोग छुट्टी लेने, तो वो बोले कि वीडियो बना के दिखाओ। क्या एसएल पीरियड आवर में कोई अपना वीडियो बना के दे सकता है? आप ही बताइए। डीएसपी बोलते थे किस चीज की वीडियो? लाइन डीएसपी, क्योंकि वही हम लोग को छुट्टी देने देते थे, इसलिए वही ये सब बात बोलते थे। जिस दिन हम बीमार थे इतनी अभद्रता वाली बात आप लोग को सामने पहले होती तो आप इसकी शिकायत? इसलिए हम लोग उग चुकी थे उबे। और जिस दिन घटना दो तारीख को जो हुआ उस घटना में हम लोग थे तो हम लोग को बोला गया कि श्रद्धांजलि देने आना है। हम लोग पुलिस लाइन बदला गाली बकने वाला शख्स कौन था? वही डीएसपी लाइन डीएसपी क्या नाम था? मसलेउद्दीन अहमद। जानकारी के लॉगिन कीजिए सिटी पोस्ट लाइव .com। बस एक क्लिक में सभी खबरें।